गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। तो सभी छात्र देखें, सबसे पहले बच्चे इस टेबल को नोट कर लें। इसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेके के सभी जो मान है मूल रूप से उनके मान दे हुए, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। तो यह टेबल कैसे बनाई गई उसको देखेंगे। कि हम देखते हैं, जैसे मान लो साइन की वैल्यू देखना है, तो आप यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर आप जीरो रखिए, वन टू थ्री फोर, और सभी में चार से डिवाइड कर दीजिए। और इसका सबका वर्गमूल ले लीजिए। तो कितना मान हो जाएगा इसका? जीरो। वन बाई फोर का वर्गमूल 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन के मान है, क्लियर। इसी प्रकार से हम कॉस के मान, तो कॉस में हम देखते हैं कि जो लास्ट में मान दिया है उसको हम फर्स्ट में ले आएंगे। तो यहां 1 हो गया, फिर इसके बाद √3/2, फिर इसके बाद 1/√2, 1/2 एंड 0, क्लियर। तो इसी प्रकार से ये टेबल को क्रिएट किया गया। तो आप इसको नोट कर लें, इनके मानों का यूज करके हम प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। तो आप इसको मैं मान रख दीजिए, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होगा √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 30 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/4 इक्वल 4/4 इक्वल 1। ये इसका आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो इसमें मान रखेंगे 2 tan² 45, टेन स्क्वायर 45 कितना होता है? 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे, 2 + 3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखेंगे, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमको cos 45/sec 30 cosec 30, तो इसके मान निकालना है। तो cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होगा 2/√3 और cosec 30 होगा 2।
वन अपॉन रूट टू इन टू रूट थ्री आपका न्यूमेटर में चला जाएगा और यहां आ जाएगा आपका टू रूट थ्री प्लस टू। तो थोड़ा सा इसको चाहे तो और सिंपल तरीके से लिख लीजिए, रूट थ्री अपॉन रूट टू इन टू टू रूट थ्री प्लस टू, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसिक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो इसमें वैल्यू रखिए, साइन 30 होता है 1/2 प्लस 1045 होता है 1 माइनस कॉसिक 60 होता है 2 अपॉन रूट 3 अपॉन सेक 30 होगा 2 अपॉन रूट 3 कॉस 60 होगा 2 एंड कॉट 45 होगा 1। क्लियर। अब हम इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंपल कर लें, सिंपल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 3, तो यहां रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 4 इसके अपॉन इसका एलसीएम आएगा रूट 3, तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 3 रूट 3। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 रूट 3 इंटू रूट 3 न्यूमेटर में चला गया और यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 रूट 3, तो रूट 3 कैंसल हो गया तो यहां आपकी वैल्यू आ गई 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 6 रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको tan a प्लस बी इक्वल दिया हुआ है रूट 3 और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 या tan pi upon 3। ठीक है, और tan a माइनस बी इक्वल दिया हुआ है 1/√3 और इसकी वैल्यू होगी आपकी tan 30, tan 30 मीन्स पाई बाई 6। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा पाई बाई 3, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने में प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया तो यहां बचा 2a, 2a इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। तो यहां देखेंगे 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 कितना हो गया 3 पाई अपॉन 6 इक्वल पाई बाई 2। तो इसको हम देखते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा,
पाई बाई फोर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी पाई बाई फोर। तो अब हमको बी की वैल्यू निकालना, तो समीकरण एक से बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा आपका फोर पाई माइनस थ्री पाई अपॉन ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई ट्वेल्व, ये आपका बी की वैल्यू हो गई, तो ये आपके आंसर हो गए, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।